बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने सीपीयू इंस्ट्रक्शन साइकिल की डिटेल्स देखी थी। इसके अंदर हमने ये देखा था कि किस तरीके से सीपीयू मेमोरी में से इंस्ट्रक्शन को निकालता है, उसको डिकोड करता है और फिर उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। और इस पूरे प्रोसेस को हमने नाम दिया था सीपीयू इंस्ट्रक्शन साइकिल का। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है स्टैक इन सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि स्टैक होता क्या है। दोस्तों स्टैक एक स्टोरेज मेथड है फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एंड डेटा, यानी ये इस तरह का स्टोरेज का तरीका है जिसके जरिए आप डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लीफो। दोस्तों हमने पहले भी देखा था कि मेमोरी भी एक स्टोरेज एरिया है, इसी तरीके से रजिस्टर्स भी एक स्टोरेज एरिया है। मेमोरी के अंदर हम रेंडमली कहीं से भी डाटा को डाल सकते हैं और डाटा को निकाल भी सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सीपीयू जिस भी रजिस्टर से चाहे डाटा को निकाल सकता है, लेकिन इस तरीके का स्टोरेज मेथड जिसके अंदर आप लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के थ्रू कोई भी डाटा को निकाल रहे हैं या फिर डाल रहे हैं, तो इस तरीके का स्टोरेज एरिया कहलाएगा स्टैक। दोस्तों स्टैक हमेशा डाटा को स्टोर करेगा लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में। मींस जो भी एलिमेंट आप सबसे आखिर में स्टैक में डालेंगे, जब भी आप स्टैक में से एलिमेंट को निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले वही एलिमेंट निकालेंगे जो सबसे आखिर में स्टैक में डाला होगा। फॉर एग्जाम्पल ये स्टैक है और हम इसमें एलिमेंट्स को डाल रहे हैं। पहले हमने 1 इंसर्ट किया, उसके बाद 2 इंसर्ट किया, तो अब जब हम स्टैक में से एलिमेंट निकालेंगे तो सबसे पहले 2 को निकालेंगे, यानी वो एलिमेंट जो हमने सबसे आखिर में इंसर्ट किया। जिस तरह हम प्लेट्स को रखते हैं तो जो प्लेट सबसे आखिर में रखते हैं, जब उन्हें निकालने की बारी आती है तो वही प्लेट सबसे पहले निकाली जाती है जो सबसे आखिर में रखी थी। यानी ये था लास्ट इन, यानी जो लास्ट में आप सबसे आखिर में जो चीज इन करेंगे वही सबसे पहले फर्स्ट आउट करेंगे। बिल्कुल स्टैक भी एक इस तरह का स्टोरेज मैनर है जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर पर डाटा को इंसर्ट और डिलीट करता है। मींस जो सबसे आखिर में इंसर्ट होगा वही सबसे पहले स्टैक में से आउट होगा। और फ्रेंड्स स्टैक के साथ हम एक एड्रेस रजिस्टर यूज करते हैं विच इज कॉल्ड स्टैक पॉइंटर। ये एक एड्रेस रजिस्टर है जो कि मेमोरी यूनिट में ही मौजूद होता है, विच ऑलवेज पॉइंट टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टैक है और यहाँ हमने 3 एलिमेंट इंसर्ट कर दिए, ए बी और सी। तो यहाँ स्टैक पॉइंटर पॉइंट करेगा सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट को, विच इज सी। यानी स्टैक पॉइंटर एक एड्रेस रजिस्टर है जो कंटेन करता है एड्रेस उस लोकेशन का जहाँ हमें वैल्यू को इंसर्ट करना है, डालना है और वहीं से वैल्यू को निकालना भी है, यानी डिलीट भी करना है। और दोस्तों स्टैक में ये इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म होती है 2 फंक्शंस के जरिए। द फर्स्ट वन इज पुश एंड द अनदर फंक्शन इज पॉप। पुश मींस स्टैक में से वैल्यू को पुश करना यानी डालना, और पॉप मींस स्टैक में से वैल्यू को निकालना। और यहाँ हमारे पास स्टैक पॉइंटर के अलावा 2 फ्लैग्स भी यूज होते हैं। 200 फ्लैग इस तरह के मेमोरी यूनिट होते हैं जो सिर्फ एक ही बिट को स्टोर कर सकते हैं, दैट इज 1 और 0। और वो 2 फ्लैग्स हैं फुल और एम्प्टी। दोस्तों फुल का मतलब है कि अगर फुल की वैल्यू 1 है तो एम्प्टी की वैल्यू होगी 0। इसका मतलब है कि आपका स्टैक फुल है, आप उसमें कोई एलिमेंट पुश नहीं कर सकते, कोई एलिमेंट नहीं डाल सकते। और अगर एम्प्टी की वैल्यू 1 है तो फुल की वैल्यू होगी 0, विच मींस स्टैक खाली है, आप एलिमेंट्स को पुश कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि स्टैक में वैल्यूज को किस तरीके से पुश और पॉप किया जाता है। दोस्तों पुश मींस स्टैक के अंदर वैल्यू को डालना। अब आइए देखते हैं कि जब आप स्टैक में वैल्यू को डाल रहे होते हैं तो आपको क्या क्या फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करनी होती हैं। तो दोस्तों जब भी आप स्टैक में वैल्यूज को पुश कर रहे हैं तो सबसे पहले आप फ्लैग की बिट को चेक करेंगे। अगर तो उस एम्प्टी की वैल्यू 1 है और फुल की वैल्यू है 0, तभी आप उसमें वैल्यूज को पुश कर सकते हैं यानी कि डाल सकते हैं, क्योंकि ये फ्लैग की बिट ही आपको बताएगी कि अभी स्टैक खाली है, यानी कि क्योंकि एम्प्टी 1 हुआ है
मीट स्टैक खाली है, आप मजीद वैल्यूज को इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद आप चेक करेंगे स्टैक पॉइंटर विच इज द एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टैक। यानी स्टैक पॉइंटर क्या पॉइंट करता है, टॉप वैल्यू यानी जो सबसे टॉप मोस्ट सबसे ऊपर वैल्यू जो होती है स्टैक की उसको पॉइंट करता है। अब अगर हम यहाँ स्टैक में देखें तो यहाँ सिर्फ एक एलिमेंट है विच इज ए, और वही एलिमेंट इस वक्त सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है। तो स्टैक पॉइंटर इस वक्त ए को ही पॉइंट करेगा, क्योंकि स्टैक पॉइंटर उसी वैल्यू को पॉइंट करता है जो सबसे टॉप मोस्ट वैल्यू होती है। अब हम जा रहे हैं अपने पुश का फंक्शन परफॉर्म करने। तो सबसे पहले आप वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। यहाँ हम इंसर्ट कर रहे हैं बी को। तो जैसे ही हमने बी को इंसर्ट किया यानी स्टैक में डाला, अब बी स्टैक की टॉप मोस्ट वैल्यू बन गई है। तो अब हमारा नेक्स्ट काम है स्टैक पॉइंटर में 1 का इंक्रीमेंट करना, ताकि स्टैक पॉइंटर अब सबसे टॉप मोस्ट वैल्यू को पॉइंट कर सके। इसी तरह अगर हम स्टैक में सी को पुश करें तो जैसे ही वैल्यू पुश होगी वो वैल्यू बन जाएगी स्टैक की टॉप मोस्ट वैल्यू, और फिर हम स्टैक पॉइंटर में करेंगे 1 का इंक्रीमेंट ताकि स्टैक पॉइंटर पॉइंट करे सी को, और सी इस वक्त है सबसे टॉप मोस्ट वैल्यू। तो इससे हमें ये पता चला कि स्टैक पॉइंटर जो भी सबसे टॉप मोस्ट वैल्यू होगी स्टैक में उसको पॉइंट करता है। तो जब भी हम स्टैक के अंदर वैल्यूज को पुश करेंगे तो वैल्यूज को पुश करने के बाद हमें स्टैक पॉइंटर की वैल्यू में भी 1 का इंक्रीमेंट करना होगा। और दोस्तों अगर हम पुश के फंक्शन की समरी देखें तो पहले आप स्टैक में वैल्यू को राइट करेंगे डालेंगे, देन इंक्रीमेंट इन द स्टैक पॉइंटर यानी स्टैक पॉइंटर के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे। ये तो हो गया पुश का फंक्शन। इसके बाद है पॉप। पॉप मीन्स स्टैक में से वैल्यू को पॉप आउट करना यानी कि निकालना, और आसान लफ्जों में स्टैक में से वैल्यू को रीड करना। तो फ्रेंड्स जब भी आप स्टैक में से वैल्यूज को निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले चेक करेंगे फ्लैग की बिट को, और अगर फ्लैग के अंदर फुल की बिट 1 है और एम्प्टी की 0, विच मींस स्टैक अभी भरा हुआ है, आप इसमें वैल्यूज को निकाल सकते हैं। दोस्तों ये तो जाहिर सी बात है कि जगह जो भी जगह भरी हुई होगी फुल होगी तभी आप वहां से चीजों को निकाल सकते हैं। अगर जगह खाली होगी विच मीन्स के वहां कोई वैल्यू ही नहीं है निकालने के लिए, इसीलिए सबसे पहले आप चेक करेंगे कि आया स्टैक फुल है। अगर फुल है तभी हम उसमें वैल्यूज को निकाल सकते हैं। और ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा स्टैक की फ्लैग की फुल बिट से। अगर वो फुल बिट 1 होगी विच मीन्स फ्लैग स्टैक भरा हुआ है और हम इसमें से वैल्यूज को निकाल सकते हैं। इसके बाद हम चेक करेंगे स्टैक पॉइंटर को, जैसे कि हमने पीछे चेक किया था विच पॉइंट्स द टॉप ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टैक, यानी ये स्टैक की सबसे टॉप मोस्ट वैल्यू को पॉइंट करता है, और यहाँ स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है सी को विच इज द टॉप मोस्ट वैल्यू ऑफ द स्टैक। और अब जब हम स्टैक में से वैल्यूज को निकालेंगे तो सबसे पहले सी को निकालेंगे विच मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर के थ्रू। जो सबसे आखिर में वैल्यूज हमने इंसर्ट की थी अब सबसे पहले वही पॉप आउट होगी, वही निकाली जाएगी, और जैसे ही सी पॉप आउट होगा तो स्टैक की टॉप मोस्ट वैल्यू बन जाएगी बी। इसीलिए हम स्टैक पॉइंटर की वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट कर देंगे। अब स्टैक पॉइंटर पॉइंट करेगा बी को। दोस्तों अगर इसको एक और एग्जांपल से समझें तो इसी तरह अगर हम बी को स्टैक में से निकालेंगे तो पहले बी को पॉप आउट करेंगे, देन स्टैक पॉइंटर की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, सॉरी 1 का डिक्रीमेंट हो जाएगा जैसे कि अभी पहले हुआ था, और एक डिक्रीमेंट क्यों होगा, ताकि स्टैक पॉइंटर अब सबसे टॉप मोस्ट वैल्यू जो कि अब ए है उसको पॉइंट कर सके। और दोस्तों अगर हम पॉप के फंक्शन की भी समरी देखें तो पहले आप स्टैक में से वैल्यू को निकालेंगे देन डिक्रीमेंट करेंगे इन द स्टैक पॉइंटर। तो फ्रेंड ये थे स्टैक के फंक्शंस। इसी तरह स्टैक की 2 टाइप्स हैं, रजिस्टर स्टैक और मेमोरी स्टैक। दोस्तों रजिस्टर स्टैक में हम डिफरेंट रजिस्टर्स को एज अ स्टैक इंप्लीमेंट करते हैं। अभी भी जैसे मैंने आपसे बात की थी कि स्टैक इंप्लीमेंट करने का मकसद ये है कि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर के थ्रू चीजों को अपने अंदर डालेंगे और निकालेंगे। तो जब हम रजिस्टर्स को एज अ स्टैक इंप्लीमेंट करते हैं विच मीन्स के जो पीछे हमने रजिस्टर्स पढ़े थे वो तो इसके अंदर यूज होंगे ही, जैसे कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर वगैरह, लेकिन साथ के साथ हम अलग से कुछ रजिस्टर्स यूज करेंगे
जिनको हम एज अ स्टैक इंप्लीमेंट करेंगे। और जो पीछे हमने रजिस्टर्स देखे हैं उनकी तरह ये रजिस्टर्स भी सीपीयू के अंदर ही प्रेजेंट होंगे। और जिस तरह रजिस्टर्स स्मॉलेस्ट स्टोरेज एरिया है, यानी ये बहुत स्मॉल डाटा को स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही रजिस्टर स्टैक भी कुछ फाइनाइट वर्ड्स को ही स्टोर कर सकते हैं। जबकि मेमोरी स्टैक के अंदर हम स्टैक को एज अ मेमोरी, यानी मेमोरी स्टैक में हम मेमोरी को एज अ स्टैक इंप्लीमेंट करते हैं। यानी अब जब हम मेमोरी में से डाटा या फिर इंफॉर्मेशन को निकालेंगे तो स्टैक के मैनर से निकालेंगे, विच इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। और मेमोरी का साइज बहुत बड़ा होता है तो यहाँ मेमोरी स्टैक का साइज भी डिपेंड करता है आपकी मेन मेमोरी के साइज पर। तो दोस्तों यहाँ हमने ये सीखा कि रजिस्टर स्टैक फाइनाइट वर्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं, यानी इनका साइज छोटा होता है, जबकि मेमोरी स्टैक जो होते हैं इनका साइज डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की मेन मेमोरी पर, जैसे कि रैम और रोम पर। तो दोस्तों ये थे स्टैक, स्टैक की टाइप्स और उसके ऑपरेशंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को स्टैक के थ्रू एग्जीक्यूट करवाएंगे।